स्वामी विवेकानंद। इस फिल्म के प्रायोजक हैं नया प्लास्टिक कोट वाला विम बार, गले कम चले ज्यादा। तेरे पास तो तू है जो मैंने ही तुझे दिया है, आईने में जाके देख। बाबा ठीक कहते हैं, मैं हूँ मेरे पास। जन्म भर सही हो अति गहबर बन जहान कोई, छाड़ू तात जानकी ही सोई, जानकी ही सोई। हे राम, पीले क्या हुआ? ये तूने क्या किया? दादा ने बोला पेड़ में एक ब्रह्म राक्षस रहता है, मैं रात को वहीं रुक गया, सोचा शायद उसके दर्शन हो जाए। बिना जांच के कभी किसी की बात नहीं मानना बेटा। माँ, देखो बेटा, अनुभवी सच्चा ज्ञान है, ये सदा याद रखना। जाना है इस पार रे, जाना है इस पार रे, नदी है तो धारा, नदी है तो धारा, तू ही तो
बताओ बताओ जलद माने। सर, सागर सर। ए, मूरख। ए, तुम बोलो। सर, जलद माने नदी सर। तुम भी इसी के भाई हो, चलो जलद माने बोलो। ये क्या, ये क्या जलद माने, तुम बताओ, तुम बताओ जलद माने। जी जी जी, क्या इतनी देर से समझा रहा हूँ, सर खपा रहा हूँ, सो रहे थे क्या सबके सब? तो नरेंद्र रहा है सर, और शान से खराटे भी ले रहा है। नरेंद्र, तुम क्लास में सोते हो और खराटे लेकर, तो कहो जलद माने क्या? मेघ। और जलद ही? जलद ही माने सागर, समुद्र। छात्र हो तो ऐसा नालायको, तुम सब बेंच पर खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। नहीं नहीं नरेन, तुम्हें नहीं खड़ा होना, ये मूर्ख। नहीं सर, मेरी सारी साथी बेंच पर खड़े हैं, मैं कैसे बैठूं? मैं भी अपना साथियों का ही साथ दूंगा। আসুন আসুন আসুন, আস্তে আস্তে আজ্ঞা হোক। নমস্কার নমস্কার। আপনাকে এত দূর ডেকে এনে খুবই কষ্ট দিলাম, তার জন্য ক্ষমা করবেন। না না, কষ্ট আসুন, কিচ্ছু কষ্ট, আপনি মহানুভব, বসুন বসুন। আশা করি আপনি কুশলী আছেন, আপনাদের আশীর্বাদে সব শুভ আছে। कैसे हो बेटे, पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई का नाटक? नाटक नहीं तो। अच्छा, देखूं तो क्या पढ़ रहे हो तुम? बंकिम चंद्र, विद्यासागर, माइकेल, शेक्सपियर, अरिस्टोटल, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन, ये सब पढ़ रहे हो तुम? हाँ, आप इनमें से सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, उनकी सबसे किताब कौन सी अच्छी है? एक ही किताब लिखी है उन्होंने अब तक, लीव्स ऑफ ग्रास, अच्छी कविताएं हैं, 32 वर्ष की आयु में लिखी थी। फिर तो 73 साल की उम्र तक उन्हीं कविताओं को उलट पलट कर लिखते रहे और फिर स्वर्ग सिधार गए। अद्भुत, विलक्षण बुद्धि है तुम्हारी, एक दिन निश्चित तुम देश का नाम ऊंचा करोगे। बंधुओं,
हम जिस ब्रह्म धर्म का प्रचार कर रहे हैं उसका भावात्मक स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है अनंत को खोजने का प्रयास। आज हमारे देश में प्रचलित है अनाचार, अधर्म, अंधविश्वास। इससे हमारे ज्ञान को ही नहीं प्राण को भी धक्का लगा है। धर्म मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए है, न कि उसे नीच बनाकर उसकी अवज्ञा करने के लिए है। इसीलिए हम जाति भेद नहीं मानते। हमारे धर्म में केवल एक ही जाति है और वो है मनुष्य जात। हिंदू समाज में आज भी बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलित है। इसका भयंकर फलाफल कौन नहीं जानता। ये प्रथा हमें बंद करनी ही होगी। पूछिए इनसे, इन्होंने धनी दूल्हे की खातिर अपने कन्या का बाल विवाह किया है कि नहीं? क्या इन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल किया है। पूछिए, पूछिए इनसे। महाशय, आपने अपनी नाबालिग कन्या का विवाह एक धनवान पुरुष के साथ किया है। जब आप स्वयं ही ब्रह्म समाज के अनुशासनों को नहीं मानते तो हमें क्यों उपदेश देते? कोई मुझे बताएगा ठीक क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है? सर, आपने ईश्वर को देखा है, उसके दर्शन किए हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें किसी योगी जैसी लगती हैं। तुम चाहो तो ईश्वर के दर्शन कर सकते हो। ए नोरेन, यार तुम यहां घूम रहे हो? अरे यार, एक समस्या आ गई है और उसे हल भी तुम ही कर सकते हो। आज घर पर संगीत का आयोजन किया है। श्री रामकृष्ण परमहंस पधारने वाले हैं, किंतु जिन्हें गाने के लिए बुलाया था वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। अच्छा। यदि तुम गा देते तो बस इतनी सी बात है, चलो आओ। नरेन, शुरू करो ना। सद्गुरु बिना ना छुट्टी है, सद्गुरु बिना ना छुट्टी है, मन मन साकी गाग, बिना प्रेम धीरज नहीं।
से निस जाम रहत बसे निस जाम पपिहा जू पियो पियो करे पपिहा जू पियो पियो करे पियो पियो करे कब मिलोंगे राम 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 गाओ ना नरेन गाओ गाओ ना बिना प्रेम धीरज नहीं विरह बिना बैराग बिना प्रेम धीरज नहीं तुझ पे आई ना सकूं तुझ पे सकूं ना तुझ बुलाई सकूं ना तुझ बुलाई जियरा यूही लहूरी जियरा तपाई 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 बिना प्रेम धीरज नहीं विरह बिना पैरा सदगुरु बिना ना छुटी है सदगुरु बिना ना छुटी है मन मन साकी दाग बिना प्रेम धीरज नहीं एक बार दक्षिणेश्वर आओ ना होगे ना मैं तुम्हारी राह देखूंगा जरूर आना नरेन जरूर आना Far oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. The poet had an experience of a state of trance while contemplating the beauties of nature. Yes. Sir, what is trance? Trance is such an experience which is the result of purity of mind.
and its concentration on some particular object. A person fit for such a state is rarely to be seen. I have seen only one person blessed with such a state of mind. Ramakrishna Paramahamsa of Dakineshwar. You will understand it if you go and see for yourself. एक बार दक्षिणेश्वर आओ ना, होगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगा, जरूर आना। क्यों नहीं भेजा तूने उसे अभी तक मेरे पास? मुझे उसे देखना है माँ, मुझे उसकी जरूरत है, भेजना माँ। नहीं नरेन, तुम चलो। अच्छा ठीक है। माँ, तूने अभी तक नरेन को भेजा क्यों नहीं माँ? उसे भेज देना माँ, वो अभी तक आया क्यों नहीं? उसे भेज देना माँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। एक बात बताओगे? तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? माँ की तरह, माँ जिसकी पूजा मंदिर में होती है, जिसने शरीर को जन्म दिया है, आजकल जो नौबत में रहती है, और अभी अभी जो मेरे पैर दबा रही थी, सचमुच मैं तुम्हें अवतार ही नहीं, कल्याणमयी मां का अवतार समझता। मां मां अवतार ही नहीं, कल्याणमयी मां, मां को मेरे लिए गीत गा तो
गाना गा। चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में ओ परदेश में, क्यों परदेसी रहे ए, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। जो भाए वो कोरा सपना, आँख जो भाए वो कोरा सपना, सारे पराए हैं कोई ना अपना, आँख जो भाए वो कोरा सपना, सारे पराए हैं कोई ना अपना, ऐसे झूठे प्रेम में पड़ना, भूल में काहे जिए, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। साचे प्रेम की ज्योत जला के, मन सुन मेरी कान लगा के, साचे प्रेम की ज्योत जला के, मन सुन मेरी कान लगा के, पाप और पुण्य की गठरी उठा के, अपनी राह चले, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में ओ परदेश में, क्यों परदेसी रहे ए, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। बे
देश है विम, गलेगा या चलेगा चैलेंज। ये है नया प्लास्टिक कोट वाला विम बार। क्या ये आम टिकिया के मुकाबले गलेगा या चलेगा? गलेगा या चलेगा? गलेगा चलेगा गलेगा चलेगा गलेगा गलेगा चलेगा 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 चले ज्यादा। नए विम बार पे है प्लास्टिक कोट, पानी में गले कम चले ज्यादा। चलेगा ज्यादा। मम्मी पापा आने वाले हैं, उनके लिए चाय बनाएंगे। चाय तो है ही नहीं। 10 रुपए चाहिए। तोड़ दो। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय अब 10 रुपए में। पर रेड लेबल तो थी नहीं। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय। अब मोगरे की खुशबू में भी रिन एडवांस्ड जैस्मिन फ्रेश। बिछाए बैठा रहा, मुझे पता ही नहीं चला। इतना निठुर कैसे हो गया रे तू? विषयी लोगों से बातें कर करके मेरे होंठ जल गए रे नरेन। सब कुछ देना चाहता हूं, सब कुछ जो कुछ मेरे पास है उसे देना चाहता हूं जो पात्र हो, समझ सके, ग्रहण कर सके। और वो तू है नरेन, तू है प्रभु। मैं जानता हूं तुम कौन हो, पुरातन ऋषि नर नारायण। सांसारिक जीवों की दुर्गति निवारण के लिए ही तुम इस धरती पे आए हो। मैं जानता हूं कब खाना। जी खा लूंगा। बाहर मेरे मित्र खड़े हैं, हम सब मिलकर खा ले। उनके लिए और है, ये तू खा। खा इधर बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूं। ये ले खा और खा। आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, जैसे मैं तुझे यहां बैठा देख रहा हूं ठीक वैसे। मानव मन की सगुण अनुभूति उसकी दर्शन करा सकते, उसे देखा भी जा सकता है, बातें भी कर सकते जैसे मैं तुझसे कर रहा हूं। किंतु भगवान को कौन चाहता है? कोई चिंता करता है भगवान की? लोग अपने बाल बच्चों के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, गरीबी के लिए रोते हैं, पैसों के लिए रोते हैं। कोई भगवान के लिए रोता है? कोई नहीं रोता। अरे सरल भाव से रोकर उसे पुकारे तो सही, भगवान स्वयं उसे मिलने चले आते। हाँ चल खा।
नरेन, ठाकुर का क्या आशीर्वाद मिला? उसने कहा, हाँ, मैं उसे वैसे ही देख सकता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मानव मन की सघन अनुभूति ही उसका दर्शन करा सकती है, फिर उसे देखा भी जा सकता है और उसे बातें भी की जा सकती है, ठीक वैसे जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ। लेकिन भगवान को चाहता कौन है? लोग रोते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी गरीबी के लिए, लेकिन भगवान के लिए कोई रोता है? नहीं। यदि कोई सच्चे मन से भगवान के लिए रोए तो भगवान स्वयं ही चले आएंगे। माँ, यहां क्यों बैठी हो अंधेरे में? अंधेरे में ठंडक होती है बेटा, वही तो दही से मक्खन निकालने में काम आती है। अच्छा, तू रामकृष्ण से मिल आया? हाँ, मिला। नहीं माँ, आज के लिए बहुत हो गया। दक्षिणेश्वर जरूर जाओगे, अच्छे हो जाओगे और उनसे मिलोगे भी। क्या? तुम्हारे लिए ही तो मैंने उन्हें वहां रखा हुआ है। कौन हो तुम? रिश्तेदार हो हमारे? मैं तुम्हारी बहन हूं। अच्छा, इसीलिए तुम आई हो यहां? भरे हुए हैं, इतनी दूर से आई हो ना, इसीलिए। क्या तुम्हें किसी ने चरण धोने को पानी तक नहीं दिया? अच्छा, मैं देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। मतलब क्या हुआ मां? वो तो मुझे पहचानता तक नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे कण कण में समाया हुआ है, और मैं उसमें। ऐसा क्यों हुआ मां? बोलना मां, बोलना, बोलना मां।
महाभवतारिणी कल्याणमयी, तुम क्या मुझे मेरे पद से विचलित करना चाहती हो, साधना से खींचकर गृहस्थी में घसीटना चाहती हो? कभी नहीं, मैं क्यों खींचू तुम्हें गृहस्थी में? मैं तो तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभव में सदा के लिए तुम्हारी सच्ची संगिनी। बाबू की है ठाकुर। बाबू को खड़ा किए बिना ही मूर्ति बना रहा है।
कैसे? उनकी छवि मेरे मन में है और मन जैसे जैसे कहता है मेरे हाथ उसी तरह बनाते जाते हैं। मेरा मन शंकाओं से भरा था, आपने उन्हें दूर कर दिया ठाकुर। आपने दिखा दिया कि सत्य क्या है, अनेक में एक, एक में अनेक। Most philosophical systems are only intellectual diagrams, giving no place to the emotions of man, thereby stifling his creative and responsive faculties. दुष्ट, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। माँ कहती है मैं तुझे चाहता ही इसलिए हूं कि मुझे तुझ में भगवान दिख पड़ते। माँ, मेरा नरेन खरा सोना है माँ, तमा नहीं। नहीं चाहिए मुझे ये सब किताबी ज्ञान, सत्य की मीमांसा। मुझे परम सत्य चाहिए, केवल शुद्ध सत्य। सत्य के दर्शन हो जाएं तो मानो धर्म की राह मिल गई, वो स्रोत मिल गया जिससे सृजन की सारी धाराएं निकलती है। बेटा, सत्य को हर ओर से परखने का प्रयास कर, हर तरफ से जानने की कोशिश कर। क्यों आता है यहां? अगर मेरी मां में विश्वास नहीं है तो क्यों आता है? जरूरी नहीं कि मैं यहां आऊं तो आपकी हर चीज पर विश्वास भी करूं। आपकी मां मरीचिका है, मृत तृष्णा। मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा मैं। वो एक भ्रम है, मायाजाल, आपके अपने दिमाग की सृष्टि। मुझे इन मूर्तियों में बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास के लिए चाहिए प्रमाण, पक्का सबूत। ना होने से मैं कहता रहूंगा कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई छवि नहीं, उसका कोई आकार नहीं। दिन के समय तारे नहीं दिखते तो क्या तू कहेगा तारे हैं ही नहीं? अरे, तारे देखने के लिए पूरे दिन प्रतीक्षा करनी होती है, रात की प्रतीक्षा। और फिर सभी तेरी तरह जानवर थोड़े ही हैं। साधारण मानुष के लिए निराकार ब्रह्म की कल्पना अतीत है, पर मेरी मां सत्य है, साकार ब्रह्म। याद रखना, एक दिन तू मेरी मां को स्वीकार तो करेगा ही, बल्कि उसके चरणों में रो रो कर लौटेगा भी। हां, आध्यात्मिक सत्य वो तो सब तर्कों से ऊपर है। उस सत्य को पाने की तड़प या कि चेतनता की उस ऊंची अवस्था में विश्वास करना ही आध्यात्मिकता है। ठाकुर भी तो यही कहते हैं कि बुद्धि से जो सत्य प्राप्त हो उस पर तो विचार किया जा सकता है,
परंतु आध्यात्मिक सत्य वो तो सारे विचारों से ऊपर है। इस संसार में मैं एकदम अकेला हूं। ठाकुर, महाभारत में लिखा है कि ईश्वर दर्शन करने के लिए सात्विक लोगों की संगत करनी होती है। किंतु ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों में से सात्विक कौन है? ए, कौन है रे सात्विक? मैं क्या जानू, मैं तो नहीं हूं। तुझे पता है? मैं तो चला। ए, बोल। मैं तो जा रहा हूं। तू बता। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में ओ परदेश में क्यों परदेसी रहे, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर। क्या हुआ? तू है खुली तलवार की तरह अखंड का घर, सप्त ऋषियों में से एक। तू अगर निषेधन खाए भी तो कोई पाप नहीं। तेरे अंदर तो निरंतर ज्ञान की अग्नि जल रही है। वो अग्नि सारे आहार दोष को भस्म कर देगी। जैसे मैंने तेरा यह हाथ हटाया है, उसी तरह मैं तेरे हृदय पर पड़ा पर्दा भी हटा सकता हूं और तेरे भीतर भी झांक सकता हूं। चंचल माया तुझे कभी अपने वश में नहीं कर सकती। नरेन नहीं मानता। आप बेकार में मेरी तारीफ करते रहते हैं। मुझे आपके कहे का बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं सदा सच बोलता हूं, वही बोलता हूं जो मेरी मां मुझे बोलने को कहती है। और कोई बात मैं बोलू ही क्यों? लाटू आ, आ। ठाकुर चल पुकुर नदी और सागर देख कर आते। चल जी ठाकुर चल। नरेन, नरेन, नरेन।
लोग कहते हैं मैं खंबे से टकरा गया, मैं गली में जैसे नींद में चलता रहा, सपने में चलता रहा, चलता रहा और टकरा गया। किंतु क्यों, क्या अर्थ है इसका? मेरा खंबे से टकराना और टकराकर धरती पर गिरना, ये तो शरीर की सच्चाई है, तो मैं कहां हुआ, सच में या सपने में? मां, क्या मैं तुम्हारे ही शरीर का अंग नहीं हूं? वो तो तुम हो। क्या मां त्याग की साक्षात प्रतिमा नहीं होती? होती है बेटा। तो बस यही सोचकर आंखें भर आई। अच्छा अच्छा, चल ये मिठाई खा ले और फिर पढ़ाई शुरू कर, तेरी परीक्षा आने वाली है ना? ठीक है मां। ले। ये किताबी ज्ञान क्या यही सब कुछ है? सब कुछ यही है जीवन में? स्वयं जीवन, जीवन के अनुभव और उससे उपजी करुणा, कुछ भी नहीं? व्यर्थ है ये किताबें। पहली जरूरत होती है रोटी, मोटी रोटी, मोटा कपड़ा, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद धर्म। प्रणाम ठाकुर। किंतु ये कैसे होगा? इसके लिए चाहिए उदार मनुष्य, उसके बाद धन। इन दोनों को दीन तक पहुंचना होगा। प्रणाम ठाकुर। तब कहीं जाकर बात समझ में आती है। अब तुम लोग, मजा आया ना, मजा आया। बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना पैरा, सदगुरु बिना ना छुट्टी है, सदगुरु बिना ना छुट्टी है, मन मन साकी गा, प्रेम धीरज नहीं।
ठीक तो है? मैं तो ठीक हूं, तू क्यों आता है यहां मेरे पास? आज तो मैंने तेरे से बात भी नहीं की, तेरी तरफ देखा भी नहीं, तेरी परवाह भी नहीं की। जी आता हूं, पर आपकी बकवास सुनने थोड़ी आता हूं, बल्कि इसलिए आता हूं क्योंकि क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं। कोई भी व्यक्ति इतनी उपेक्षा नहीं सह सकता रे, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। देख, मैंने तपस्या करके बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियां पाली, तुझे देना चाहता हूं सब, तू जीत पात्र है, उन्हें स्वीकार और मानवता की भलाई के लिए उनका उपयोग कर। इन शक्तियों की मदद से मैं भगवान को देख सकूंगा क्या? नहीं रे, नहीं। फिर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, फिलहाल तो नहीं चाहिए, और लगता है आगे भी नहीं चाहिए होंगे। मगर इन सिद्धियों के चाहने वाले ढेर सारे लोग आपके चक्कर लगा रहे होंगे, दे दीजिए उन्हें, वो आपको दुआ देंगे, याद रखेंगे आपको। हर कोई इतना ऊंचा नहीं उठता नरेन, जो सिद्धि पा सके। आपको यहां देखकर बड़ी खुशी हुई, पधारिए, विराजिए। धन्यवाद। बैठो नरेन, कहिए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं नरेन। नरेन, नरेन का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। वेल माय बॉय, तुम्हारे पढ़ाई के बारे में मैंने काफी चर्चा सुनी है, तुम्हारे बाबा तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारे सपने सजाए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ काम करोगे असिस्टेंट बनकर? जी क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज से मैं इसका भविष्य आपके हाथों सौंपता हूं। अरे मैं कौन होता हूं, ये तो खुद ही समझदार है, क्यों नरेन? अच्छा तो फिर हम चले। अच्छा, नमस्कार। हाँ वही तो मैं बार बार कह रहा था, लेकिन नरेन, नरेन बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। दया कर मां, मुक्ति दे। मां, अपने मां से प्रार्थना कीजिए ना, मांगिए ना, देखिए मेरी गरीबी दूर हो सकती है क्या? मैं क्यों मांगू? तू मांग, किंतु तू तो मेरी मां को मानता ही नहीं। सुन, आज मंगलवार है, प्रणाम करके
माँ से जो भी मांगना है माँ वो अवश्य देगी। मेरी माँ तो चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है रे, उनकी इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता। जा जाके मांग जा। माँ मजा आएगा अभी देखना। चुप चुप माँ चुप। मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे माँ। तथास्तु। मांगा? वो नहीं मांगा जो मांगना चाहता था। मूर्ख, क्यों नहीं मांगा? जा फिर से जा मांग, वो अवश्य देगी। जा जा। माँ ठीठी हाथ तेरी। हे माँ, माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। करुणा महा। तथास्तु। मांगा जो चाहता था? नहीं। तो फिर? मैंने भक्ति, ज्ञान, त्याग और वैराग्य मांगा। दूर साला, पैसा नहीं मांगा। पैसा पैसा, जा पैसा मांग पैसा। जा। पैसा चाहिए। माँ, एक राजा से मुट्ठी भर ताने नहीं मांग सकता। माँ आपने अवश्य कोई जादू किया है मुझ पर। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं कुछ भी नहीं मांग पाया आपकी माँ से। शायद तेरे भाग में सुख है ही नहीं। कोई भी मदद नहीं कर सकता तेरी, कोई नहीं। अगर मेरा यही भाग्य है तो मेरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी है, याद रखिएगा। याद रखिएगा। माँ, मेरे नरेन बड़े कष्ट में है। माँ उसे सुख का वरदान दे, वरदान दे माँ। नरेन के परिवार की जिम्मेदारी ले सकोगे? खुशी से ठाकुर।
हृदय हृदय, एक बार तू चाहे मेरा बुरा सोच लेना, किंतु उसे बुरी दृष्टि से ना देखना। इस शरीर में जो निवास करता है शायद तुझे क्षमा कर दे, किंतु उस शरीर में जो निवास करता है उसके कोप से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तुझे बचा नहीं सकता। अरे मूर्ख, ये तो सरस्वती है, संसार के मनुष्य को बुद्धि का वरदान देने के लिए इसने अवतार लिया है। इसने तो अपने स्वर्गीय सदर को छुपा के रखा है, फिर भी तुझ जैसे लोलूप इन पर घिनौनी दृष्टि डालते रहते। जा, जा। मां, माँ को जोगिन, जोगिन मेरे हाथ किधर है, मेरे पांव किधर है, ये तो रहे तुम्हारे हाथ और पांव। मां क्या हुआ? मेरा मन न जाने कहां लाल नीले और कैसे कैसे रंगों में डूबा हुआ था। बड़ी कठिनाई से मैं इस संसार में वापस लौटी हूं। मां ये आत्मा की निर्विकल्प अवस्था है। मां ठाकुर, एक बात पूछूं? पूछ। हम लोग भगवान से मिलना तो चाहते हैं पर मिल नहीं पाते, ऐसा क्यों? हृदय सर बदला तो। ये मक्खियां देख रहा है नरेन, ये मक्खियां ग्लास के बाहर रहकर ही शरबत का स्वाद लेना चाहती है, किंतु शरबत का स्वाद जानने के लिए तो उसमें डूबना होगा ना, और उसी से ये मक्खियां डरती है, मौत से डरती है। लोग भाग भी यही मक्खियों की तरह ये नहीं जानते, अरे सच्चिदानंद के शरबत में डूबने से मृत्यु थोड़ी ही होती है, अरे उसमें डूबने से तो स्वयं शरबत बन जाते हैं। ये शरबत सच्चिदानंद का है, घूट घूट पियो इसे, पियो। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में वो परदेश में क्यों परदेसी रहे। हाँ चलो जाए घर अपने, चलो मा।
मां 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 आ गया मां, मैं आ गया। ये कैसी अवस्था है? अपंग, लाचार। गंदा कर देती। तुम्हें ऐसा पता चला कि मुझे बाहर जाना है। अचानक मेरे अंदर मरोड़ उठी और मैं जान गया। तू सो जा, सो जा माँ, सो जा। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है जैसे कि सब अंधविश्वास है। विश्वास तो होता ही अंधारे नरेन। ऐसा कोई विश्वास नहीं जिसे आंख देख सके। विश्वास से ज्ञान बढ़ता है। जहां तर्क बढ़ जाता है वहां अहंकार रह जाता है। ईश्वर दर्शन होता नहीं। धर्म को जानने के लिए अनुभव करना जरूरी है। हर माँ जानती है कि किसी भी ज्ञान का आधार अनुभव ही होता है। ये आदमी कितना महान है किंतु कितना सरल। कहाँ थे नरेन? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? क्यों, मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? ठाकुर बोलते हैं कि हम लोगों में कोई सात्विक नहीं। हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर ठाकुर तो बीमार है। खैर चलो। कृष्ण नाम रस कहो जात है। कृष्ण नाम रस कहो जात है। त्रिशावंत हो बीजे सूरदास प्रभु शरण ताकिए। सूरदास प्रभु शरण कृष्ण नाम।
आकाश जिसकी है वो तो कहीं नहीं, उसका घर तो जमीन नहीं, जमीन पे मैं ऊपर वो बाकी कहीं कोई नहीं, तुम भी यही हो मैं भी यही। रामा कृष्णा चख के आग जरा सी दिल में रख के, कभी तो चांद को देखो चख के आग जरा सी दिल में रख के, आना नहीं दोबारा यही, जीना यही है मरना यही। रामा कृष्णा हे रामा कृष्ण कृष्ण हे रामा कृष्ण हे रामा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरी तलाश ये नहीं, अब मैं भी सब कुछ त्याग देती हूं और आज से मैं संन्यास लेती हूं। हाँ हाँ, नरेन ठीक उस आग की तरह है, न जाने कब और किस लिए भड़क उठे। हाँ